हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुराग ठाकुर। तो कल जो आप लोगों को मेल आया था वीआईटी की तरफ से कि वीआईटी इज गोइंग टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट चीटिंग ऑन इन वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम, तो आज सुबह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मेल आया है कि एक तरह का रिमाइंडर है कि हाँ वो चीटिंग पे वो एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि भैया, जब इतने बड़ी लेवल पे चीटिंग हुई है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मास लेवल पे चीटिंग हुई है, तो क्या यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है कि वीआईटी जो है अपने एग्जाम्स को रीशेड्यूल करे? तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंडक्टिंग वीआईटी ट्रिपल एग्जाम्स। अगर उनको रिकंडक्ट ही करवाना होता तो वो शायद ऐसे वार्निंग्स नहीं देते, ये सस्पेक्ट पर एक्शन लेने के बारे में वो मेल नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक्शन है वो ये होने वाला है कि जो लोग भी ये चीटिंग में पकड़े जाएंगे, कि हाँ जिनके खिलाफ वीआईटी के पास प्रूफ होगा कि इन लोगों ने एग्जाम रूल्स को वायलेट किया है, दे विल बी नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन वीआईटी। अब बाकी अगर किसी को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो उन लोगों की बात अलग है, बट दे विल बी नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका एक्शन होगा वो ये होगा कि वो स्टूडेंट्स को काउंसिल में अपीयर होने से बॉयकॉट करेंगे। बाकी जैसे ही अगर कोई अपडेट आती है वीआईटी से तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए यार, स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे ट्यून्ड। एडमिशन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और इवन अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।